ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट एपिसोड में हम ट्रेवर के लिए एक नया वाला घर देखने गए थे जो कि था एक्लिप्स टावर में, जो कि यार बहुत लंबा सा टावर है और वो जो घर था ना यार बहुत तगड़ा था। तो यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि वो घर आपको ले लेना चाहिए। तो गाइस आज इस वीडियो में हम वाला घर बाय कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यार माइकल को एक बहुत ही जरूरी पार्टी में जाना है। तो जिस बंदे की पार्टी में जाना है ना, उस बंदे के बारे में आपको बता देता हूँ। तो वो माइकल का एक बहुत पुराना दोस्त था, एक्चुअली आप उसे ना दुश्मन भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों ना एक साथ बिजनेस करते थे और जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा ना, तो भाई उसने माइकल को ऐसा धोखा दे दिया और एकदम इसे कर्जे में डुबा दिया। और भाई माइकल जो था बिजनेस से भारी हो गया और वो जो बिजनेस था ना बहुत ज्यादा चल गया। और यार वो बंदा जो माइकल का दोस्त था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और अभी वो फिलहाल स्मगलिंग का काम भी कर रहा, तो बहुत बड़ा अमीर आदमी हो चुका है और गैंगस्टर भी है एक टाइप से, मतलब इतनी तगड़ी फौज है ना उसके पास, पूछो मत। तो आज भाई माइकल फुल चोड़ में है, पहले तो जाके पार्टी अटेंड करेगा, फिर हम उससे आज बदला लेने वाले हैं जो उसने हमें बचपन में धोखा दिया था ना। तो एक्चुअली बचपन में नहीं, बिजनेस वाले टाइम पे जो धोखा दिया था उसी का आज बदला लेना है। और तो अभी माइकल वैसे खुंदक में मत जा भाई, अभी पार्टी में जाना है। तो सबसे पहले हम अपने गैराज में चलते हैं और यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, तो मैं अपनी यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लेके जाऊँगा, क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी का अलग मजा है। मैं आपको ना उसका घर दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो आप उसका घर देख लो भाई। घर भी यार उसका बहुत ज़्यादा आलीशान है, मतलब कि बहुत तगड़ा घर है भाई, टक्कर ही नहीं उस बंदे की यार किसी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा उसका घर का, आप साइज ही देख पा रहे हो भाई, माइकल जैसे पाँच घर आ जाएंगे इतने में। तो चलो यार सबसे पहले चलते हैं उसके घर के पास। और यहाँ पर पार्टी तो फिलहाल उसने ना दिन में ही रखी है, क्योंकि वो जो पार्टी है ना अपने घर पर ही कर रहा है, क्योंकि जो उसके घर पर सिक्योरिटी उसे मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे को तो लग रहा है ना मेन उसने हमें इन्वाइट नहीं करा, उसने हमारी किल्साने के लिए बुलाया, मतलब कि हमें चिढ़ाएगा, वो दिखाना चाह रहा है कि देख लो भैया तुम वहीं के वहीं रह गए और मैं कहाँ पर चला गया हूँ। क्योंकि यार उसने इतने टाइम से तो किसी पार्टी में बुलाया नहीं, आज वो इतना ज़्यादा सक्सेस आदमी हो गया है, इतना अमीर हो गया, तब उसको हमारी याद आई और हमें मेन वो चिढ़ाने के लिए बुला रहा है अपनी पार्टी पर। तो भैया आज मैं उसकी तैसी ऐसी की तैसी करूँगा। तो चलो चलते हैं पहले उसकी पार्टी पर, उससे मिलेंगे, फिर उसको तो मैं सोच रहा हूँ मार ही दूँ, क्योंकि यार उसने धोखा दिया था। और भाई माइकल आज बेचारा इतना गरीब आदमी, फिलहाल अभी चोरी वोरी कर रहा है तो अमीर हो गया, लेकिन यार उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं, गलत काम जितने भी होते हैं। बाकी अगर वो बिजनेस में साथ रहते तो यार दोनों ही लोग बहुत अमीर रहते और माइकल भी एक वाइट मैन होता, मतलब कि कोई जिसने गलत नहीं काम करा। अब लेकिन यार माइकल बहुत ही गंदा आदमी हो चुका है, क्योंकि उसने चोरी वोरी सब कर रखी है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं पहले उसके घर के पास, देखते हैं क्या सीन है। और भाई साहब ये पता नहीं कौन से एरिया में रहता है भाई, हम पीछे की तरफ से जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ से इसके घर का जो है रास्ता आता है। बाकी जो एरिया है ना वहाँ पर यार और किसी का घर है ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे का घर है। वैसे पता है यार उस बंदे ने अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। अब मुझे देखना है ना सबसे पहले उसके पास गाड़ियाँ कौन कौन सी और कितना पैसा है उसके पास, भाई उसे पूरा लूट दूंगा। उसने जितना कमाया ना भाई उसको सारा मैं एकदम उसको पता डाउन कर दूंगा, सारी चोरी कर डालूंगा आज उसकी। और अभी इस काम के लिए मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन किसी को नहीं बुलाया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, बाकी भैया माइकल अकेले ही काफ़ी है, क्योंकि इतनी तगड़ी तगड़ी हमारे पास गन है, मुँह तोड़ के आएंगे बेटा उसका, बहुत चौड़ा हो रहा था ना। अभी फिलहाल यहाँ से राइट हो जाता है, उसका घर जो आगे ही है, मेरे को पूरा का पूरा यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई साहब। वैसे लैम्बोर्गिनी चलाने का ना मज़ा ही अलग आता है, इन सब रोडों पे भी, हाईवे पे अलग मजा है, इन रोडों पे अलग मजा है, बहुत तगड़ी कार है भाई। अभी यहाँ से सबसे पहले हमें लेफ्ट लेना है, उसका घर जो है पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से और घर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा प्लान पता है क्या, मैं पार्टी में जाऊँगा एकदम चुपचाप, पूरी पार्टी वार्टी अटेंड करूँगा, सबको दिखाऊंगा कि भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन उसके बाद सारा स्कैम कर दूंगा इनके साथ। पहले मैं ना पूरा चेक कर लूँगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, क्या क्या सामान है, कितना पैसा है, सब कुछ चेक कर लूँगा और उसके बाद उसको मारूंगा। और भाई बॉडीगार्डों से मेरे को थोड़ा ना बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यार मेन तो वही सिक्योरिटी होती है, बाकी वो जो दोस्त है वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो भैया जैसा था बचपन में वैसा का वैसा ही होगा पिटने वाला। बाकी चल कर देखते हैं क्या सीन है। बाकी ये कैसे से एरिया में रह रहा है, पता नहीं कैसा सा इसका घर हुआ, घर का साइज़ तो बहुत बड़ा है, अजीब सा एरिया भाई, गाँव सा जैसा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर एक कोई बंदे का बेचारे का एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन अभी मैं हेल्प नहीं करने वाला, अभी मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। ओके तो अभी हम घर पर आ चुके हैं फिलहाल, ओके तो मैं ओके फौजी यहीं पर खड़े हुए हैं, तो मेरे को गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी पहले यहाँ पर। काफ़ी ओ ये कौन सी कार है, ओ भाई भाई ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया यार। भाई मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है भाई, इतने सारे गेस्ट आए हैं, अभी पता नहीं गेस्ट की कार है किसकी कार है। फिलहाल अभी मैं गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। भाई साहब इतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा मुझे पता नहीं था। ओके तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को जो है मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। भाई क्या सीन है यार यहाँ पर, ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं चढ़ा रहा मैं आप पे भाई, बॉडी गार्ड ना भड़क जाए मेरे पे। और देख रहे हो मतलब कि यार मेरे लिए जगह ही नहीं है, मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी कूड़ेदान के पास पार्क करनी पड़ रही है। भाई कितना अमीर आदमी हो गया यार ये, मतलब इतना पैसा, बुगाटी सेम मेरे वाली है और यहाँ पर फरारी भी है और लैम्बोर्गिनी का ये जो, ओ भाई साहब लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो भी है, मैक्लारेन भी है, ओ ये कौन से निसान GTR, भाई साहब इतना पैसा हो गया इस पर। और यहाँ पर कौन कौन सी कार है ये,
भाई साहब इतनी तगड़ी तगड़ी कार इसके पास हो गई है, मतलब कि यार इतना ज़्यादा पैसा हो चुका है और बॉडीगार्ड्स की भी कमी नहीं है। तो ये लोग बॉडीगार्ड्स मेरे को ना मारने लग जाए क्योंकि मैं कार पे गलत नज़रों से देख रहा हूँ। तो भी चलते हैं, पार्टी कहाँ पर हो रही है भाई? बॉडीगार्ड बताया कोई तुम में से, कहीं पता चले तुम मारने लग जाओ। ओके, तो यहाँ पर यार काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और यहाँ पर राइट से मेरे को ओके म्यूज़िक, ये लोग भी यहाँ पर बैठे हैं बाहर की तरफ और राइट से म्यूज़िक का साउंड आ रहा है थोड़ा। तो चुपचाप यार थोड़ा चोड़ में चलेंगे वरना ये लोग हंसेंगे कि भाग तो हो कैसे आ रहे हैं। ओके, तो अभी फुल चोड़ में जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है। ये आंटी फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं दोनों। ओके, तो राइट में ओ ये खड़ा पहले, इससे मैं मिल लेता हूँ। ओके, तो यार अभी ये फिलहाल फुल अकड़ में, मेन हमारी मेरे को पता था इसने बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। मतलब ये ना दिखाना चाहता है कि मैं इतना अमीर हो गया और तुम जो है वहीं के वहीं रह गए हो। तो काफ़ी सारे बंदे आए हैं इसकी पार्टी में और सारे बहुत अमीर अमीर बंदे हैं, मतलब फुल पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और फोटोग्राफर हमारी भी एक फ़ोटो खींच दो अंकल जी, अरे हम भी आए हैं पार्टी में भाई, मैं इसे मारूंगा बाहर मत दिख जाए। हाँ थैंक यू। ओके, तो एक आध हमने फोटो वोटो भी खिंचवा ली है। बाकी भाई साहब काफ़ी सही सी अमीर अमीर बंदे इसकी पार्टी में मेरे को नज़र आ रहे हैं। सिगरेट विगरेट फुल चल रही है, फुल वाइन विस्की सब कुछ चल रहा है, फोटोग्राफर्स आ रखे हैं भाई साहब। अब यहाँ पर ना मेरे को मेन इसकी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरे को इससे बदला लेना है और बदला मैं इसका ना नुकसान करवा के ही ले सकता हूँ क्योंकि मैं इसे मारूंगा तो यार फिर गलत ही चीज़ हो जाती है। वैसे इसे मार ही दूंगा तो भाई पूरा ही बदला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका बिजनेस इतना बड़ा है, इतना पैसा दोबारा कमा लेगा। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं तो मेरे को यार बॉडीगार्ड को मारना पड़ेगा। मैं कैसे मारूंगा अगर मैंने जैसे इनके ऊपर गन दिखाई ना, लोग मेरे को मारना शुरू कर देंगे भाई। दिक्कत की बात पता है क्या, यहाँ पर इन्होंने ना छतों पर भी बॉडीगार्ड लगा रखे, देख लो एक उस छत पर है बॉडीगार्ड और यहाँ पर इतने सारे नीचे हर छत पर एक एक बॉडीगार्ड इन्होंने लगा रखा है। तो मेरे पे ना एक आइडिया है, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उठाता हूँ और वापस से ना पीछे की तरफ चलता हूँ फिर आके इन्हें मारूंगा। रुक जाओ, मैं सबसे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी सेव कर लूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी लैम्बोर्गिनी कोई चुरा ले। रुक जाओ कि भाई मैं पार्टी में इतनी देर के लिए आया था, मुझे कुछ खाना नहीं पीना, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तुम सब पिटने वाले हो बेटा। बहुत पार्टी के मजे ले रहे हो ना, उस गैंगस्टर की पार्टी के मजे ले रहे हो, तो मैं अभी तुम्हारी औकात दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई ये जितने भी बंदे आए ना उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को इसकी ना गाड़ियाँ ले लेके इसका नुकसान करवाना है। लेकिन यार इतनी सारी कार है, मैं कोई एक कार चुराऊंगा तो यार उस बंदे का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पे गाड़ी की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उस बंदे का नुकसान करा के बदला लेना है। तो एक काम करता हूँ, रुक जाओ, चुपचाप से मारूंगा अपनी स्नाइपर से। रुक जाओ, ये रहा एक बंदा, तेरी भैंस की टांग, कोई नहीं बचेगा तुम में से। सारे बॉडीगार्डों को पता भी नहीं चलेगा मैं मार कहाँ से रहा हूँ, छुप जाता हूँ पूरा उनको भाई, या होश आवास भी नहीं है कि मैं मार कहाँ से रहा हूँ। और भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा इस टाइम मैं। तो इधर से तो मेरे को दो जो है लोग दिख रहे थे, दोनों को मैंने मार दिया है और जितने भी सुपर कार्स के बाहर खड़े हुए हैं ना उनको भी मार देता हूँ। रुक जाओ, ओके, तो एक ओ ये वाला अलर्ट हो गया, ओ इसने मेरे को देख लिया था, वैसे इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ओके, मेरे को मत देख बेटा, मैं बजा दूंगा बेटा तेरे को, हल्के मत ले मेरे को, तू भी निकल। ओके, ओए लग जा, मेरी गन रीलोड हो रही है, चल बेटा तू भी निकल। और भी है, ओके एक यहाँ पर भी खड़ा हो, बेटा होश ही नहीं है तुम्हारे बंदों को मैं मार रहा हूँ नीचे। चलो अभी मैंने काफ़ी सारे बॉडीगार्ड जो इनके निपटा दिए, अभी और बचे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई मैं, दूर से ही मारूंगा सबको, तभी तो स्नाइपर लेकर चलता हूँ मैं साथ में। बाकी तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है और एक और गेस्ट आ रहा है इनके घर में जो कि काफ़ी अच्छी कार लेकर आ रहा है। मतलब कि यार इतने अमीर अमीर बंदों से इसका कॉन्टैक्ट हो गया ना पूछो मत। अभी मैं वापस चलता हूँ, ऐसे एंट्री करूँगा कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी घुमा लेता हूँ और पीछे की तरफ चलकर देखता हूँ क्या सीन है। ओके, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं। अब मेरे को लग रहा है ना कि मुझे अटैक कर देना चाहिए इन लोग के ऊपर क्योंकि अब गाड़ी ले जाने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर ये ऐसी जगह है ना, पुलिस वालों को कौन इन्फॉर्म करेगा भाई, इनको इतना मार के निकल लूंगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड हैं, रुक जाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओए 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 भाई, मेरे को और किसी ने भी मारा भाई 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 भाई, और कोई भी मेरे को मार रहा है भाई साहब, तुम्हारी ऐसी की तैसी, किसी को नहीं छोड़ूंगा बेटा मैं, किसी को नहीं छोड़ने वाला, मेन मैं उसको भगा लो तुम अपने। ओके, इधर इधर बेटा, पीछे पीछे पिस्टल लेके चल रहे हो तुम, यहाँ पर इतनी सारी गन है मेरे पे इतनी तगड़ी तगड़ी, तुम मेरे से भिड़ोगे। ओ भाई 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 भाई, मैं मर जाऊंगा, मेरे को पीछे आना पड़ेगा। आगे बहुत सारे गैंगस्टर थे इस गाड़ी के पास, इनको तो मैंने मारा ही नहीं था। रुक जाओ, पीछे मत भाग बेटा, पीछे मत भागो। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगभग सबको निपटा दिया भाई, सारे के सारे मैं निपटा चुका हूँ, और एक ये बचा है, तू भी निकल बेटा, तू भी निकल। पीछे की तरफ थोड़े बहुत बचे थे उनको भी मारूंगा। इन्होंने बेटा मेरे से पंगा लिया ना, इस बंदे की मैं औकात दिखा दूंगा। ओ मेरे पड़ी। कौन मारा? ओके, तो यहाँ पर मैंने लगभग सबको मार दिया। मैं सोच रहा हूँ यार जो हमारा पुराना दुश्मन था, वो जो दोस्त था, उसको मेरे को मार देना चाहिए। और जितने भी मेंबर थे, ओ भाई ओए, यहाँ पर ये लोग भाई साहब, ओए मेरे को मार कौन रहा है भाई साहब, इनकी आपस में भी लड़ाई हो गई है। तेरी भैंस की टांग, तुम मेरे से भिड़ेगा क्या? पहले आपस में तो भिड़ लो तुम लोग, तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल यहाँ से, तू भी निकल। चल बेटा, सबको मार दिया, और कोई बचा है क्या यहाँ पर? भाई ये बंदा और गैंग्स, ओ भाई वो भाग गया,
उसको मेरे को मारना था, वो यहीं खड़ा था, भाग गया भाई। सबके सब भाग गए, जितने भी बंदे पार्टी में आए थे यार, सबके सब यहाँ से भाग चुके हैं। और इतने सारे गैंगस्टर थे मुझे पता ही नहीं था। अभी भी मेरे को लग रहा है यार थोड़े बहुत बंदे बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि यार ये तो काफ़ी सारे थे और भाई लगभग मैंने सबको मार दिया। तुम्हारी ऐसे की तैसी पार्टी की तुम्हारी, तो लगभग सारे बंदे मर चुके हैं। बस कोई पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे यार, एक गड़बड़ हो गई यार। जो हमारा दुश्मन था ना यार, वो तो भाग गया जिसने हमें बिजनेस में धोखा दिया था, लेकिन यार अपनी सारी की सारी गाड़ी जो है यहीं पर छोड़कर चला गया है। और वो भागा किस चीज़ से यार? ओके, तो यहाँ पर मैंने लगभग सब बंदों को मार दिया, लेकिन पता दिक्कत की बात क्या हुई है, वो जो बंदा था ना यार वो यहाँ से भाग चुका है। और उसने यार जाकर ना पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि उसके जितने भी गैंगस्टर थे यार देख लो इतने सारे थे, सबको मैंने निपटा दिया। यार मैं इनकी गाड़ियाँ लेकर कैसे निकलूंगा भाई, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे को एक बाइक लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, वापस आके मैं इसकी सारी की सारी गाड़ियाँ उठाऊंगा। भाई यार वो बहुत तगड़ा बदमाश था, मैंने उससे ना गलत ही पंगा ले लिया। ओके, मेरी लैम्बोर्गिनी इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी भाई, पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं करनी मेरे को वापस अपनी लैम्बोर्गिनी लेनी है भाई। मेरे को ये अभी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी दो, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेके निकल रहा हूँ। पुलिस वालों को यार कैसे पता चल गया यार, जो मैं चाहता था ना वो गलत चीज़ हो गई, मतलब जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। ओके, तो भी मैं कहाँ पर जाऊँ अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर यार, मेरी लैम्बोर्गिनी ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलत सीन हो जाएगा भाई, बहुत गलत सीन। ओके, तो अभी मैं फिलहाल इधर घासों वासों में छुप जाता हूँ, क्या पता इधर पुलिस वगैरह वाले ना आए। ओके, तो यहाँ पर और भी गैंगस्टर्स की कार जा रही है क्या यार? ब्लैक कार तो उन्हीं की होती है। बाकी यार भाई हेलीकॉप्टर वाले पीछा नहीं छोड़ने वाले मेरा, मेरे को कहाँ छुपना पड़ेगा? रुक जाओ, मैं किसी ना घास वास या फिर झाड़ी में जाकर छुप जाता हूँ जहाँ पर पुलिस वाले ना आ पाए बस। ओके, बाकी कार की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है भाई साहब, मतलब घास वास में भी इतनी तेज चल रही है और मैं पहाड़ों पर इस टाइम आ चुका हूँ। बस हेलीकॉप्टर वगैरह वाले ना आए, यहाँ पर थोड़ी देर में बैठे रहूँगा तो शायद बच जाऊँगा, पुलिस भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। ओके यार, अगर मैं उस बंदे को भी मार देता ना गैंगस्टर को, तो यार आज सारी की सारी दुश्मनी जो थी बराबर हो जाती और कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन गड़बड़ी होगी यार, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे को जाते ही अटैक कर देना था यार। बाकी यार गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी होगी भाई, पूरा एकदम वॉश करवानी पड़ेगी, बाकी तो ठीक। ओके, तो यार पुलिस तो जा चुकी है, अब यार जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना मेरे को यहाँ से निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर बंदा वापस उन्हें अपनी मतलब बंदे अपने वापस भेज देना उसने तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले मैंने इसकी सारी सारी गाड़ियाँ चुरा लेता हूँ, ताकि इसका पूरा खतरनाक वाला नुकसान हो जाए इसके बिजनेस में, क्योंकि यार सारी गाड़ियाँ जो है बहुत महंगी है, कोई भी गाड़ी करोड़ से नीचे की नहीं है, सारी गाड़ियाँ 5-5, 6-6 करोड़ से ऊपर की हैं। बाकी मैं इसका घर का रास्ता कहाँ चला गया? ओके, अंदर से है। अब यार ये जो कार है ना मेरे को इनको निकलवाना पड़ेगा, सारी कार एक से बढ़कर एक है, बुगाटी में ही छोड़ दूंगा। तो एक काम करता हूँ, मेरे पे एक आइडिया है, मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके ना उससे ट्रेलर मंगवा लेता हूँ, वो कार का ट्रेलर लेकर आ जाएगा, उसमें सारी गाड़ियाँ चढ़ाएंगे और लेकर चलेंगे। तो रुको, मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर देता हूँ फटाफट से। ओके गाइस, तो मैं फ्रैंकलिन बन चुका हूँ और इस टाइम मैं आ चुका हूँ PDM पे, प्रीमियम डुलेक्स मोटर स्पोर्ट पर। अब यहाँ पर करना है क्या है ना कि इनका ट्रेलर चुराना है, ट्रेलर तो मैं आराम से चुरा लूँगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक ही बार में काफ़ी सारी कार जो है लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रेलर आप देख पा रहे हो कितना बड़ा है, अब इस ट्रेलर को वहाँ पर लेकर चलना है जहाँ पर माइकल है, मतलब जिस घर में माइकल है। तो भाई माइकल ने फ्रैंकलिन को सारी की सारी लोकेशन जो है बता दी है, अब बस फटाफट से चलना है इस ट्रेलर को लेकर माइकल के पास, और वहाँ पर जितनी भी कार है उस कार को इसके अंदर लोड कराएंगे और चुरा कर लाकर देखते हैं यार कहाँ पर खड़ी करनी चाहिए। अगर हो सकेगा तो 2-3 गाड़ियाँ जो है फ्रैंकलिन के गैराज में डाल देंगे, और 2-3 गाड़ियाँ जो है माइकल के गैराज में डाल देंगे, और ट्रेवर को भी आज नया घर दिला देंगे तो उसके गैराज में भी डाल देंगे। बस एक बार यार हम जल्दी से ना गाड़ियाँ लेकर आ जाए, और इसको चलाना यार बहुत मुश्किल है, कभी भी ये पलट सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितना बड़ा व्हीकल है। अभी फिलहाल ये फुल साइज़ वाला नहीं है, क्योंकि माइकल ने कहा है कि भैया 5-6 कार ही हैं, तो ये फुल वाला नहीं है। फुल वाले में क्या होता है, लगभग 10 कार के आसपास ले जा सकते हैं, तो फटाफट लेकर चलते हैं इसको माइकल के पास। ओके, तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट से 2-2 ट्रेलर और जा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर ट्रेलर का कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा है, लग रहा है ये लोग भी अपनी गाड़ियाँ उठवाने आए हैं। अब पता नहीं भाई साहब जो भी बंदा है ना उसने कहीं अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए ना वापस ना भेज दिए वो बंदे, अगर बंदे आ गए ना तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल जहाँ पर हमें जाना था उस लोकेशन पर तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, और मैं भाई साहब ट्रेलर को भी 80 की स्पीड में चला रहा हूँ, मतलब क्या स्लो चलाने की आदत ही नहीं है। अब एक बार ही ना मैं गूगल मैप्स में मार्क कर लेता हूँ कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ पर है। तो मेन जिस लोकेशन पर हमें जाना है वो तो ये है भाई, अभी तक तो मैंने हाईवे पर चलाई थी, लेकिन अभी पतले पतले रोडों पर चलाने तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत से लड़ना हमारी आदत है। तो अब भाई साहब खतरनाक रोड आ चुके हैं, एकदम सांप जैसे जो कि पहाड़ों पे होते हैं, और इन रोडों पे भाई ट्रेलर चलाना भाई एक टाइप से ना इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन हम फिर भी ले जाएंगे, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा होता है, तो रियल लाइफ में तो इन रोडों पर चलाया नहीं जाता, बट फिर भी हम रिस्क लेकर जाएंगे, क्योंकि यार इस टाइम हमने बहुत ही बड़ी चोरी करी है। अगर यहाँ पर हमारी गाड़ी सारी मिल जाती है तो सब हो जाएगा। ये बंदा रॉन्ग वे क्यों आ रहा था, मतलब कि अच्छा खासा जा रहा था, इसने मेरे को देख के मोड़ी क्यों गाड़ी, पागल वागल था क्या यार? पूरी अच्छी खासी चला रहे हैं, अभी तो फिलहाल हमने कहीं ठोकी भी नहीं थी, ला के इसने मेरे मुंह पे ही ठोक दी। चलो अभी यहाँ पर जो है माइकल खड़ा होगा, और इस बेचारे की बॉडी को कोई ले नहीं जाएगा हॉस्पिटल, ऐसे ही मरा पड़ा है बेचारा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, माइकल पता नहीं कहाँ पर है, माइकल को कॉल करनी पड़ेगी, शायद वो छुप गया होगा, उनको माइकल को बुला लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेलर है वो आ चुका, फटाफट से ना इस ट्रेलर को जल्दी से लगाते हैं और उसके अंदर ना सारी की सारी गाड़ियाँ जो है रखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार वही वही कार को इसके अंदर रखेंगे जो जो काफ़ी महंगी है। और यार यहाँ पर वो जो ब्लैक वाली कार थी भाई साहब, वो 4G लेकर निकल गए, वो कार बहुत महंगी थी। और मेरे को लग रहा है वो जो बंदा है ना वो उसी कार के अंदर बैठ कर भागा है, क्योंकि जितनी भी गाड़ी वो सारी यहाँ पर खड़ी है और एक बाइक भी यहाँ से गायब हो गई है। अब फटाफट से ट्रेलर को मैं खोलता हूँ, उसके अंदर सारी सारी सुपर कार जितनी भी है सबको मैं इसके अंदर घुसेड़ लेता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पर सबसे पहले ट्रेलर को खोल देते हैं। ओके, तो ट्रेलर को मैंने यहाँ पर जो है खोल दिया। अब सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर में, ओके, तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी टायर्स जो है, तो गाड़ी को जो है बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा। बंदों ने गोली वोली तो काफ़ी चलाई थी। ओ भाई ये कार तो उड़ रही है गाइस, ये कार तो उड़ रही है भाई, ये ना चलने वाली। फ्रैंकलिन तू भी अलग अलग गाड़ी उठा ले यार, इसी में बैठेगा। तो ओके गाइस, अभी मैंने चारों की चारों गाड़ियों को जो है इसके ऊपर ट्रेलर पर लोड कर दिया। अब इस ट्रेलर को अपने घर पर लेकर चलना है। लेकिन पता है एक मेन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेरी लैम्बोर्गिनी जो मैंने पीछे खड़ी कर आ गया हूँ वो मैं इस टाइम उसको दे रहा हूँ फ्रैंकलिन को, वो भैया घर पर रख कर आया, क्योंकि फ्रैंकलिन से ये ट्रेलर नहीं चलने वाला मुझे कन्फर्म पता है। तो मैं उसे अपनी लैम्बोर्गिनी दे रहा हूँ कि वो अपने घर पर ले आकर रख दे या फिर मेरे घर पर ले आकर रख दे। तो ओके, इस टाइम मैंने जो है भैया फ्रैंकलिन को अपनी लैम्बोर्गिनी ला कर दे दिया। ले भैया इसको घर ले जा, घर पर ले आकर शांति से खड़ी कर दे। ओके, तो फ्रैंकलिन जो है लैम्बोर्गिनी लेकर घर जा रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ट्रेलर पर सारी की सारी गाड़ियाँ जो है लोड हो चुकी है और फ्रैंकलिन जो है यहाँ पर माइकल की लैम्बोर्गिनी उसके घर पर छोड़ने जा रहा है, क्योंकि माइकल जो है ट्रेलर लेकर आएगा और लैम्बोर्गिनी भाई अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैम्बोर्गिनी को उस ट्रेलर में इसलिए डाला क्योंकि कहीं पर यार उसके जो गुंडे बदमाश है जो कि माइकल का दोस्त था वो रस्ते में मिल गए, तो भैया वो अपनी गाड़ियाँ तो ले गई, माइकल को अलग मारेगा और लैम्बोर्गिनी अलग ले जाएगा। तो इसलिए लैम्बोर्गिनी उसने फ्रैंकलिन को दे दिया, फ्रैंकलिन उसके घर पर छोड़ देगा। और अभी चलते हैं माइकल के पास और माइकल के थ्रू भैया सारी की सारी गाड़ियों को लेकर चलते हैं घर पे। ओके, तो यार सारा मुश्किल काम हो चुका है, लेकिन अब बचा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, इस ट्रेलर को चलाना यार, मतलब ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ ऊपर लोड हैं, वैसे गाड़ियाँ निकलेगी तो नहीं, लेकिन यार बहुत ना दिक्कत की बात यह है कि गाड़ियाँ ना मतलब जैसे जैसे आगे पीछे तेज ब्रेक लगेगी ना तो इधर उधर निकल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, खर्चा काफ़ी बैठ जाएगा। तो अभी हमें ओके, तो यहाँ पर भाई निशान जीटी जो आगे की तरफ आकर बहुत तेज भिड़ रही है इस ट्रेलर से, तो अभी ट्रेलर को ना हमें हाईवे की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेलर है हाईवे पे सही से चलेंगे। अरे भैया क्या अंधा है क्या यार, मैं मारूंगा अभी कसम से उतर कर ट्रेलर से इधर को। भाई साहब एकदम पागलों की तरह गाड़ी लाया और ला के मेरे सीधा ठोक दी, और अभी भी चौड़ा हो रहा है, पिटना चाह रहा है मेरे से, लेकिन अभी मैं इसे मारूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी इतना फालतू टाइम नहीं है, सारी गाड़ियों को छोड़कर आना है। और यार मैकलैरन जो है गिर ना जाए, काफ़ी पीछे की तरफ हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं गिरेगी, एकदम पत्थर की तरह जुड़ी हुई है। तो भाई साहब वैसे ऐसे ना यार ट्रेलर को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यार इतनी सारी महंगी महंगी कार को हमने इसके ऊपर रख दिया और भाई काफ़ी भारी हो गया है, मतलब यार बहुत ज़्यादा भारी हो गया। सस्ती सस्ती कार है तो आराम से ले आता है, काफ़ी सस्ता ट्रेलर है, लेकिन ये वाली जो कार है सारी की सारी महंगी है। बस आराम से इसे मैं अपने घर तक ले जाऊँ और घर पर जाकर सारी की सारी जो कार है उन्हें छुपा दूँगा, पता नहीं पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से लेकर चलते भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी यार पुलिस वगैरह वालों ने भी देख लिया तो। वैसे यार इसे चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ओके गाइस, अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर मैंने अपनी सारी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर दिया, क्योंकि अभी मैं अंदर जाकर जगह बनाऊंगा और देखूंगा क्या सीन है। और ये पता नहीं यहाँ पर इतनी सारी फायर ब्रिगेड क्यों आ रखे आ रहे हैं, भैया क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, पता नहीं क्या दिमाग खराब करने यहाँ पर आ रखे हैं। और ये घर के अंदर क्या हो रखा है, मैं एक सेकंड में को ना अभी गैराज में जगह बनानी है, थोड़ी बहुत गाड़ी चलाने को। गाड़ी वाड़ी किसने फोड़ दी भाई, पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ दी भाई ट्रेसी की। और यहाँ पर भाई वो क्या रखा है, पुलिस वुलिस भी आ रखी थी ये अपने घर में। ओ भाई, ओ भाई साहब लैम्बोर्गिनी किसने तोड़ी मेरी, ये फ्रैंकलिन की हरकत लग रही है मेरे को भाई, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन को भी भेजा था मेरी लैम्बोर्गिनी खड़ी करने के लिए, लेकिन यार बुगाटी भी तोड़ दी। बुगाटी तो मैं उसको देने ही वाला था एक दो दिन में, लेकिन बुगाटी भी तोड़ दी भाई, पता नहीं क्या सीन है। भाई साहब ये क्या कर दिया यार, मतलब कि ओ भाई ये क्या हो रखा है भाई, घर में कुछ तो ही बुरा हाल हुआ है, लग रहा है ये उसी का काम है जिसकी मैं गाड़ी वाड़ी चुरा कर लाया हूँ। भाई साहब पूरा घर, ओ भाई अंदर तो आग वाग लगी हुई है पूरी, भाई पूरा घर जला डाला यार इन लोगों ने तो, भाई पुलिस वुलिस लग रहा है इसीलिए आ रखी थी। और आग अभी भी पूरी तरीके से बुझी नहीं है भाई, दीवार विवार सब तोड़ दी भाई, सब पिल्लर विल्लर सब तोड़ दिए, मेरी दोनों गाड़ियां गई और घर के अंदर आग तो बढ़ते ही जा रही है भाई, आग कैसे बुझेगी ये। ऊपर वाले फ्लोर पे शायद कुछ ना किया वो भाई, नीचे वाला फ्लोर तो पूरा खत्म कर दिया भाई, ये वाली दीवार भी तोड़ दिया लग रहा है, और घर में कोई नजर भी नहीं आ रहा है भाई, घर में कोई नजर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं यार चोट वोट तो नहीं लग गई शायद सबको। ओके, तो ये वाली दीवार भी पूरी की पूरी टूट गई है, ये वाली दीवार भी पूरी टूट गई। ओके, तो यार इस वाले कमरे के अंदर भी यार पूरा का पूरा एकदम अटैक करा है, शायद इन्होंने यार मोलोटोव डाले हैं भाई, पूरा का पूरा घर जला दिया भाई इन लोगों ने तो, लेकिन मेरी गाड़ी पर इन्होंने शायद से नेट वगैरह डाले, क्योंकि गाड़ी पूरी लग रहा है तोड़ी गई है, बाकी ये वाला रूम तेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन 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 भाई पीसी पूरा तोड़ दिया, इस वाले रूम में भी मोली वोली यूज़ करा है।
कोई खतरनाक वेपन यूज करा भाई, एकदम सारा सामान बिखरा पड़ा भाई, क्या करा है ये? हर कमरे में आग लगी हुई है, बाकी लास्ट चेक करना रह गया यार मेरा वाला रूम। मेरे वाले रूम में भाई दीवार तो टूटी है, ये वाला रूम भी बचा नहीं होगा। ओके, तो इस वाले रूम में फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले रूम में मैंने ज़्यादा कुछ सामान रखा ही नहीं है। टीवी पे थोड़ा बहुत अटैक धुआं हुआ आया है, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। और घर के बाहर काफ़ी पुलिस आ गई है, अब पुलिस यार मेरे को इंक्वायरी के लिए ले जाएगी क्या हुआ है कैसे हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये किया किसने भाई? फ्रैंकलिन का तो काम होगा नहीं, फ्रैंकलिन इतना भी घटिया बंदा नहीं है। गाड़ी तोड़ सकता था एक बार को मान लेता हूँ, लेकिन भाई उसने पूरा का पूरा घर तोड़ दिया। और सारे के सारे बंदों को लग रहा है भैया कोई ले गया उठा कर, या तो किडनैप हुई है या फिर उन्हें चोट आ गई है हॉस्पिटल में, पता नहीं क्या सीन है। जो भी हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है, देखना पड़ेगा। कौन कैसे आएगी? तो के गाइस, अभी माइकल को एक बंदे से कॉल आया था, और वो उसी बंदे का कॉल है जिसके घर से हमने अभी ये 5 गाड़ियां चुराई है जो हमारे घर के बाहर खड़ी हुई है। और उसने भाई इन तीनों को किडनैप कर लिया है, माइकल की वाइफ को, माइकल की बेटी को और माइकल के बेटे को। अब तीनों लोग को किडनैप कर लिया, उसने साफ बोला है भाई मुझे $50 मिलियन चाहिए। मतलब कि भाई साहब $5 मिलियन की चोरी तो उस दिन हमने करी थी यार बैंक से, और आज इस बंदे को $50 मिलियन देने पड़ेंगे भाई। और जितनी गाड़ी चुराई है वो भी वापस करनी है, और $50 मिलियन भी देना है, तब जाकर हमें भैया वो तीनों लोग को वापस भेजेगा। अदरवाइज 2 दिन के अंदर वो उन्हें मार देगा, तो भाई 2 दिन के अंदर हमें उसे सारा का सारा पैसा कहीं से अरेंज कर देना पड़ेगा। और भाई पूरा का पूरा जो घर जलाया है, बुरा हाल हो गया भाई एकदम, सब कुछ गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी है। मतलब कि भाई अब तो पैसे भी जो थे सारे के सारे चले जाएंगे, गाड़ी भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। तो ओके गाइस, यहाँ पर माइकल के हालात तो यार बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, मतलब कि यार घर के जितने भी मेंबर्स थे सब के सब किडनैप हो चुके हैं। तो गाइस, अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो फटाफट से अगर इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे एम करते हैं 60,000 लाइक के लिए, तो यार मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर दोगे। और हाँ यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर ये जरूर बताना कि यार माइकल के साथ क्या हो सकता है, वो आगे क्या करेगा। आप सब कुछ अपना सजेशन नीचे इंस्टाग्राम पर मुझे दे सकते हो, वहां पर आज मैं स्टोरी डाल दूंगा। तो चलो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।